और नौजवान निकल आए, टर्नआउट अच्छा रहा। राणा जवाद साहब किस तरह कमेंट करते हैं सारे दिन के? सर अभी मेरा ख्याल टर्न आउट का वो कैलकुलेशन सामने नहीं आई, अभी काउंटिंग चल रही है मैं लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे गया, हल्कों में गया, जी। रौनकें थी वन टू इलेक्शन एट में में, मैं गया तो बड़ी लंबी लाइन थी नहीं खुद। थी बाद जगह पे रौनकें थी, लोग निकले हुए थे, ऐसा नहीं था कि खाली थे पोलिंग स्टेशन। सही लेकिन हम आज बैठे हैं आज के इलेक्शन को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ठीक है पार्टी के साथ मेरा तल्लुक है, लेकिन हम आज इलेक्शन को मेरा ख्याल हम डिस्कस करेंगे। शुक्र अल्लाह का कि ये इलेक्शन हुआ, बेशक इस इलेक्शन पे जितने भी सवालात थे, हम बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम इन सवालात हम भी करने वाले हैं, सवालात इस निज़ाम और इस सिस्टम के ऊपर कि पीटीआई को क्यों बाहर रखा गया, इंटरनेट क्यों बंद किया गया, पीटीआई को निशान क्यों नहीं दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको यकसा मुयसर करना चाहिए इंटरनेट था। का राना साहब क्या तल्लक है वोटिंग के साथ? सर उसका बहुत गहरा तल्लक है, अच्छा उसमें आपका जो है जो इलेक्शन डे का जो सारा सिस्टम है मतलब क्या वो सिस्टम है? पैरालाइज हो जाता है। जो आपने ट्रांसपोर्ट भेजनी है वो कंसर्न बंदों तक, मीन्स के यानी कि आप ड्राइवरों को फ़ोन नहीं कर सकते कि नजम साहब को गाड़ी भेज दो, नजम साहब अच्छा के पास कन्वेंस पहुंच गई है तो नजम साहब मिस्टर ए बी सी को फ़ोन नहीं कर सकते कि जनाब ट्रांसपोर्ट उसको चली अच्छा जाए। फिर इस अगर तरह अगर फूड के मसाइल होते अगर हैं, हम इसके सुने नतीजे में अमन अमान को यकीनी बनवा लेते हैं, और जिसको हम आज कह रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान के एक उसका वाक्य के अलावा आज बड़ी हम डिबेट पुरअमन इस पे रहा। हमारे आपस के दौरान हुई हाँ है, जी, तो ये एक मेरा ख्याल ये उसमें बड़ी कीमत नहीं मेरी है। गुजारिश सुने। देखें अगर बंद करना था तो उन एरियाज में किया जाता जहाँ पे वायलेंस हैं, जहाँ पे रॉयट्स हैं, जहाँ पे दहशतगर्दी की रिपोर्ट्स हैं। पूरे पाकिस्तान में तो इस तरह के हालात नहीं थे, तो ये मैं समझता हूँ कि ये टर्नओवर को कम रखने के लिए एक प्लान था ताकि टर्नओवर कम रहे, और लेकिन ये ज़्यादा जो अच्छा नहीं हो गया लोग बजाय इंटरनेट पे वक्त ज़ाया जिस करने के वोट तरह डालने के नहीं लिए सर आ गए? देखें आप हम लोग प्रैक्टिकली मैं इलेक्शन से घर बैठे सर देखें एवं तिरासी पबजी सौ खेल दे नहीं सर तिरासी सौ नहीं चल रहे रहा था जहाँ से आपने अपनी वोटर पर्ची बनानी थी, सही है। ठीक है वो नहीं चल रहा था, आपस में रबते का फुकदान था, कम्युनिकेशन जो हमने मैंने वोट ट्रांसपोर्ट थी। मेरा ख्याल है कि देखें मुख्तार साहब आप अगर चीज़ों को प्रैक्टिकली समझे ना तो मैं तो प्रैक्टिकली आज समझ रहा हूँ। आप किसी भी पार्टी के उस बंदे से जो जो इलेक्शन में इन्वॉल्व था उससे पूछें कि उन्हें कितनी को प्रॉब्लम इसमें हुई है, सर ठीक। प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन ये उससे बड़ी प्रॉब्लम होनी थी अगर जो काम कल पशीन में हुआ, किला अब्दुल्ला में देखें हुआ, जो कराची पिशीन में हुआ, अगर वो हो सर जाता तो देखें उसमें देखें पिशीन कोलू फाटा ये जो एजेंसीज हैं हमारे मुल्क की, यहाँ पर तो जब अमन के हालात होते हैं तो उस टाइम पे भी वहाँ पे दहशतगर्दी खुलेआम चलती रहती है, सही। ठीक। ये नेट कुछ सोच समझ के बंद करना था, ये उनको मद्देनज़र रख के बंद नहीं किया गया, ये किसी अदर एजेंडे को पूरा करने के लिए इन्होंने इसको जो है ना, मीन्स कि ये इलेक्शन मतलब पे एक क्या सवाल था है, एक सीरियस सवाल है जहाँ सर? पे तो चलें ठीक है, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि जो तो इंटरनेट है उसको बंद नहीं होना चाहिए था, जो ढिल्लू चलते साहब रहना ने चाहिए था। बात की के नतायज वही हैं जो हमें पहले से इशारे मिल रहे थे कि किस किस्म के नतायज आने हैं, सही को गैर मुतवक्का नहीं है, अभी नतायज नहीं आए, लेकिन मैं ढिल्लू साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि नतायज वही हैं जो मुतवक्का हम सबके जहनों में चल रहे हैं, क्योंकि 2013 का भी पिक्चर पहले यहाँ हो गई थी कि क्या हो रहा है और किस 2008 की तरह, भी हो गई थी सर, ठीक है 2008 की नहीं हुई थी, 2008 की यहाँ थी, 2008 का एक फेयर इलेक्शन था, 2018 की भी यहाँ थी, और अब 2008 का जिधर 2000 असी जीत गए वो फेयर देखें इलेक्शन है, जिधर असी ना नहीं जीती सर वो फेयर नहीं सुने हैगा। सर सुने 2008 2000 में एनआरओ किसने लिया था मेरी सर? बात सुने 2024 की जो दुबई में मुलाकात किसकी हुई थी मुशर्रफ के साथ सर? 2024 में जो जो पिक्चर इन एडवांस यहाँ हुई है, मैं ये समझता हूँ कि जो आज का 8 फरवरी है ना, 8 फरवरी का दिन, ये यौम क्या कहते हैं हाँ क्या बरहंगी जमहूरियत के तौर पे याद किया जाएगा, यौमे बरहंगी है, जो जो भी बरहंगी जमहूरियत है ये जमहूरियत याद आज का किया सर जाएगा अंग्रेज का। आज का दिन। अच्छा आज का लेकिन दिन इसके साथ जो पॉजिटिव पहलू है, जो पॉजिटिव सिंध पहलू में है, भी यही दिन मनाया जो जाएगा पॉजिटिव पहलू है राणा साहब, वो सिंध में भी यही दिन मैं मनाया सर अब मेरी जाएगा अपनी बात सर? मुकम्मल मैं करने सवाल दो तो करने दो ना, सर, मनाया तो ना आप करो। लिखते जाएं यौमे सवालात बरहंगी जमहूरियत का दिन आज सिंध में ही मनाया सर जाएगा? हम ये यकजहती कर रहे हैं पीटीआई के साथ,
हम ये यकजहती कर रहे हैं बाकी जमातों के साथ जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड जहाँ जहाँ नहीं मिला। अच्छा, इट डजंट मीन्स कि पूरे पाकिस्तान की सबकी ये बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पर्चा आउट हुआ हुआ है, जो पर्चा आउट किया गया, उसको हम ये बात कर रहे हैं कि बरहाने की है जमहूरियत का आज का दिन है। लेकिन इसके साथ, लेकिन इसके साथ इससे भी बरहाना होगी जमहूरियत। पूरे नजम वली खान को, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको, पूरे पाकिस्तान को, तमाम अदारों को ये मैं मुबारक देता हूँ कि जैसे कैसे करके हमारे इलेक्शन हो गए हैं। जमहूरियत जैसी भी हो, लूली लंगड़ी हो, वो बहुत बेहतर होती है।